नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INDT हिंदी टेक में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप घर बैठे सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकेंगे। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि इसके साथ क्या क्या बेनिफिट आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि मैं बता दूं कि सूर्योदय बैंक में डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करने की प्रोसेस अभी तक नहीं लाई गई है, लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलती है वो काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर आप इसमें सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 7.25 पर एनम के अनुसार से इंटरेस्ट रेट दिए जाते हैं। यहीं पर अगर फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में हम बात करें तो फिक्स्ड डिपॉजिट में सीनियर सिटीजन के लिए 9.25% पर एनम के अनुसार से हायर इंटरेस्ट रेट दिए जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकेंगे, क्या कुछ प्रक्रिया करना होगा आपको और किस तरह से आपके घर बैठे ही अकाउंट ओपन होंगे। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी अकाउंट ओपन होंगे वो आप डूर स्टेप वेरिफिकेशन को कंप्लीट करके अपने घर पर बैठे बैठे अकाउंट को ओपन कर सकेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अप्लाई कैसे करना है, उसके बाद सेविंग अकाउंट के बेनिफिट के बारे में बताएंगे और कितना मंथली एवरेज बैलेंस रखना है ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अप्लाई नाउ वाले ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है। आप चाहे तो यहां से अप्लाई नाउ वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके ये छोटा सा फॉर्म को फिलअप करके यहां पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी डालकर सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद उसी नंबर पर आपके पास कॉल आएगा, कॉल में आपको अपना एड्रेस देना है और यहां पर सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे इसके बारे में आपको जानकारी देना है। वैसे ही आपका डूर स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए वो एक अपॉइंटमेंट को बुक कर देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस कॉल पर आप इसका बेनिफिट भी जान सकेंगे और वो आपको इस सेविंग अकाउंट और सूर्योदय बैंक की बेनिफिट के बारे में भी जानकारी देंगे। तो चलिए अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका क्या क्या बेनिफिट है, सेविंग अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस कितना रखना है। तो चलिए यहां पर हम सिंपल से क्लिक करते हैं, थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद अकाउंट एंड कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सेविंग अकाउंट पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों, यहां पर कई सारे सेविंग अकाउंट आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें तरह तरह से मंथली एवरेज बैलेंस आपको रखने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, इसमें सबसे पहला नंबर में आती है सेविंग्स उज्ज्वल, जिसके तहत आपको 2000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस रखने की जरूरत पड़ेगी। अगर सेविंग्स आदित्य के बारे में बात करें तो 5000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस रखने की जरूरत पड़ेगी। सेविंग क्लासिक के बारे में बात करें तो 10000 रुपए और सेविंग सुप्रीम के बारे में बात करें तो 1 लाख रुपए। दोस्तों, यहां पर 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन 2000 के साथ साथ क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा ये हम आपको बता देते हैं। आपको 1 रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड दिए जाएंगे, ATM से विड्रॉ की लिमिट 20000 रहेगी। यहीं पर बात करें POS यूजर्स लिमिट की, 30000 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद अगर हम डेली POS यूजर्स नंबर ट्रांजैक्शन के बारे में बात करें तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं रहेगा, आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, जो कि हर सेविंग अकाउंट पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट रेट आप इसमें पा सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिल जाती है। फिलहाल मैं बता दूं कि सूर्योदय बैंक में अभी UPI अलाउ नहीं किया जा रहा है, लेकिन हाल ही में इसमें भी UPI फीचर्स देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक चीज है कि अगर 2000 रुपए वाला अकाउंट ओपन करते हैं यहां पर सेविंग अकाउंट, तो इसमें डूर स्टेप बैंकिंग की ऑप्शंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि एडिशनल जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट इसके अंतर्गत हम ओपन कर ले तो यह संभव नहीं है, इसलिए आपको वेटर रहेगा कि आप 5000 रुपए वाला एवरेज मंथली बैलेंस वाला जो अकाउंट है वो ज़रूर ओपन कर ले। इसमें आपका डेली का ट्रांजैक्शन लिमिट, ATM का ट्रांजैक्शन लिमिट भी बढ़ जाती है, 40000 कर दिए जाते हैं। साथ ही साथ POS यूजर्स लिमिट भी यहां पर बढ़ जाती है। उसके बाद डूर स्टेप बैंकिंग भी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। तो जो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर अपडेट था मैंने आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पर कौन से सेविंग अकाउंट में कितना तक के बेनिफिट आपको मिलने वाली है। आपको ऊपर में टोल फ्री नंबर नज़र आ जाएगी, इस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके उनसे जानकारी भी बहुत ही आसानी से ले सकेंगे। हालांकि मैं बता दूं कि आप चाहे तो suryodaybank.com पर भी आके इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से आप लोग ले सकेंगे। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो सिंपल से आपको अप्लाई बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। अप्लाई बटन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपना सिटी यहां पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था। तो यहां पर अपना सिटी को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद नीचे में आप अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दीजिएगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस आपको डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों, यहां पर आई एम इंटरेस्टेड इन, इसमें अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो सेविंग अकाउंट, इसके साथ मान के चलो कि आप फिक्स्ड डिपॉजिट भी यहां पर इंटरेस्टेड हो, फिक्स्ड डिपॉजिट
डिपॉजिट के लिए, तो वो भी सेलेक्ट कर लेना। अगर लोन वगैरह चाहिए तो ये सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एग्री करते हुए सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने एक रेफरेंस नंबर नज़र आ जाएंगे, जो कि आपको SMS भी मिल जाएगा अपने मोबाइल फ़ोन पर एक रेफरेंस नंबर। उस रेफरेंस नंबर के अंतर्गत आपसे संपर्क किया जाएगा। संपर्क करने के बाद डोर स्टेप बैंकिंग अगर होगा तो आपके घर पर आके उनका जो भी एजेंट या फिर अधिकारी होंगे वो डॉक्यूमेंट KYC करने के बाद आपका हाथों हाथ अकाउंट नंबर और वेलकम किट प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रिक्वेस्ट सबमिट करते ही इंस्टेंट में वो आपके घर पे नहीं आएंगे, क्योंकि वो कॉल द्वारा आपसे पहले बात करेंगे। बात करने के बाद आपको बोलेंगे कि ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्यूमेंट में मैं बता दूं कि आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, इसका फोटोकॉपी होना चाहिए, ताकि उसी समय आकर वो आपके घर पर KYC को कम्प्लीट करके जाए और आपको एक वेलकम किट भी देकर जाए। मैं आपको बता दूँ कि इसमें पासबुक और ATM कार्ड जो है हाथों हाथ मिल जाती है। चेकबुक की फैसिलिटी भी इसमें दिए जा रही है, लेकिन अभी जो है UPI की फैसिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मनी ट्रांसफ़र करना चाहती हैं तो NEFT RTGS वगैरह कर सकती हैं। IMPS की भी सुविधा इसमें उपलब्ध है। जल्द ही इसमें भी UPI की फीचर्स लाए जाएगी। जैसे ही इसमें डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन होना शुरू हो जाएगा मैं इस पर एक और वीडियो बना दूंगा। इसके लिए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और इस बैंक के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इनके वेबसाइट पर आकर आप खुद से रीड कर सकते हैं, या फिर इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी आप बहुत ही आसानी से उनसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि जो लोग जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इस वीडियो को लाइक से ही मैं उनके लिए बहुत जल्द UPI इनेबल्ड जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट का वीडियो लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। इसी तरह के वीडियो और ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल हो आपके दिल में तो वे ही चेक कमेंट करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए गुड बाय।